जय माम्बे। साथियों, आज हम दर्शन करेंगे 51 शक्तिपीठों में से बंगाल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ नंदीकेश्वरी देवी के। बंगाल सांस्कृतिक संपन्नता और विभिन्नता वाला राज्य है। यहाँ 14 शक्तिपीठ हैं, उनमें से यह शक्तिपीठ सेंथिया नगर में है, जिला बीरभूम। यह नगर मयूराक्षी नदी के किनारे है। सेंथिया नगर नंदीकेश्वरी का अर्थ है भगवान शिव के वाहन नंदी द्वारा पूजित देवी। यहाँ शिव सती कथा प्रसंग के अनुसार माँ का गले का हार, कुछ भक्त कहते हैं माँ के गले की हड्डी गिरी। यहाँ माता नंदिनी और भैरव नंदीकेश्वर कहलाते हैं। यह मंदिर 1913 में बना। गर्भगृह का शिखर पिरामिड आकार का है। यहाँ माँ की मूर्ति नहीं है, एक कूर्म आकृति का काला पाषाण है जो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे है, जिस पर भक्तों द्वारा चढ़ाया हुआ सिंदूर लगा है। एक चांदी का मुकुट और 3 नेत्र से सजाया हुआ है। मंदिर परिसर में अनेक छोटे मंदिर हैं, जैसे सीताराम मंदिर, शिव मंदिर, महासरस्वती मंदिर, महालक्ष्मी गणेश मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राधा गोविंद मंदिर, भैरव नंदीकेश्वरी मंदिर, हनुमान मंदिर। यहाँ एक विशाल बरगद का वृक्ष है। इस वट वृक्ष ने पूरे मंदिर में छत्र छाया की हुई है। लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इसमें मौली के धागे बांधते हैं। मुख्य मंदिर के सामने की दीवार पर 10 महाविद्याओं को सुंदरता से उकेरा गया है। 10 महाविद्याएं माँ के 10 विभिन्न शक्तिशाली रूप हैं जो ब्रह्मांड में स्थित हैं। मंदिर के मुख्य त्यौहार हैं वैशाखी पूर्णिमा, काली पूजा, नवरात्रे। शारदीय नवरात्रों में यहाँ वार्षिक उत्सव मनाया जाता है नंदीकेश्वरी मंदिर में। मंदिर में शरीर मन आत्मा स्वच्छ हों, ये जरूरी है। वस्त्र स्वच्छ भी हों, सही भी हों। आप जानते ही हैं क्या वस्त्र सही होने चाहिए, और दूसरे श्रद्धालु भक्तों का भी सम्मान होना चाहिए। मंदिर की दीवार पर उकेरे गए भित्ति चित्रों को देखिए और इनका आनंद लीजिए। 10 विद्याओं के चित्र मैंने दिखा दिए हैं। भक्तों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो भक्त यहाँ घंटियाँ चढ़ाते हैं। साथियों, मैं उन श्रोताओं का, दर्शकों का अभिनंदन करती हूँ जो मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यह संख्या अभी हजारों में है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तुरंत करिए। आज हम इस वीडियो के अंत में आध्यात्मिक विचार करते हैं। सभी धर्मों में कुछ लक्षण जो बताए गए हैं, ये एक हिंदू धर्म की बात नहीं हो रही, ये सभी धर्मों में अच्छे लक्षण धर्म के बताए गए हैं कि इंसान को करने चाहिए। मगर हम कर रहे हैं क्या? उन कुछ लक्षणों की बात हम करते हैं। एक है सत्य। हम कितना सत्य अपने आप से बोल रहे हैं, कितना दूसरों से बोल रहे हैं, उस पे विचार करेंगे और ये हमारी खुद की ही परीक्षा होगी। शौच तन मन बुद्धि का कितना हमारे अंदर है। अहिंसा मन कर्म वचन से
हिंसा तो नहीं हो रही हमसे, दोष दृष्टि, दूसरों के ही दोष दिख रहे हैं या अपने भी दिख रहे हैं, क्षमा कितना कर पाते हैं हम, क्रूरता कितनी है हम में। दूसरों की क्रूरता तो हमें नजर आ जाती है तुरंत, हमारे अंदर कितनी क्रूरता है वो समझ नहीं पाते। दीनता नहीं होनी चाहिए, दीनता का अर्थ है सेल्फ पिटी। हम अपने को कितना बेचारा समझते हैं, सारी समस्याएं हमारे साथ ही हैं, दूसरे के साथ समस्या ही नहीं है, तो ये दीनता की भावना है, ये नहीं होनी चाहिए। ये धर्म का लक्षण है कि दीनता ना हो। कितना संतोष है हमें, संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हमें मेहनत नहीं करनी, शुभ कर्म नहीं करने, बल्कि करने के बाद हम सफल हों या असफल हों, उस परिणाम को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए, उस परिणाम में संतोष होना चाहिए। साथियों, आपको मेरी आध्यात्मिक यात्रा पसंद आ रही है तो तुरंत लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय माँ नंदीकेश्वरी, जय माँ अम्बे।